गाइस वेलकम टू चैनल, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। तो फाइनली आज हम आ चुके हैं ओला के चार्जिंग स्टेशन पे, जिसको ओला कहता है, ओला हाइपर चार्जिंग यहाँ पे स्टेशन है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्या हम इससे अपने गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे है मेरा ओला S1 Pro और हम यहाँ पे चेक करेंगे चार्जिंग काम कर रहा है या नहीं, और आपको बताएंगे कितना जल्दी चार्ज करता है। हम आ चुके हैं यहाँ पे ओला के हाइपर स्टेशन पे, और यहाँ पे जैसे कि आप सब देख सकते हैं हमारी ओला S1 Pro खड़ी हुई है। और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं ये है ओला का लोगो, और यहाँ पे दो चार्जिंग पॉइंट दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है फर्स्ट और ये है सेकंड, और यहाँ पे इनमें हमें इमरजेंसी स्टॉप बटन भी देखने को मिल जाता है। कुछ ऐसा हाइपर चार्जिंग स्टेशन ये आपको पिंपरी में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपनी गाड़ी को चेक करने वाला हूँ ये चार्ज होता है या नहीं, और आपको बताऊँगा ये कैसे चार्ज होता है और कितना टाइम लगता है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तो देखते हैं कैसे चार्ज होता है। सबसे पहले हमने यहाँ पे अपने गाड़ी को ओपन किया, और यहाँ पे हम पहले टेम्परेचर को चेक कर लेते हैं अपनी गाड़ी का। तो भाई पासवर्ड तो किसी को नहीं बताते, सो वी आर यूजिंग द पासवर्ड हियर। और हमने गाड़ी को ऑन कर लिया, जैसा कि आप सब देख सकते हैं पावर मोड में दिख गया आपको। और यहाँ पे हम इसको खोलते हैं, प्रॉपरली हमने खोल लिया इसको। ये आप सॉकेट देख सकते हैं इसका, और यहाँ पे हम इससे चार्ज करने वाले हैं। ये फर्स्ट वाला पॉइंट है इमरजेंसी, जो चार्जर है उसको निकाला हमने, और ये लगा के देखते हैं भाई क्या होता है। अनेबल टू चार्ज द स्कूटर। तो भाई साहब यहाँ पे आप देखिए एक नोटिफिकेशन आया है, अनेबल टू चार्ज स्कूटर, मतलब ये स्कूटर चार्ज नहीं करेगा। तो अभी तक मुझे लगता है ये चालू नहीं किया है, तो भाई ओला S1 Pro प्लीज़ इसको चालू कर दीजिए, क्योंकि मेरे जो गाड़ी में रेंज है वो भाई बहुत कम है। तो ये आप जल्दी से जल्दी ऑन करिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं रेंज 42 किलोमीटर से है, और मेरे को जाना भी है 40 किलोमीटर, तो देखते हैं जा पाता है या नहीं। और यहाँ पर चार्ज भी नहीं हो रहा है यार, तो ये सबसे बड़ी दुखद खबर है, मैं क्या बताऊँ आपको। तो भाई ये ऑन नहीं है, जल्दी से ऑन करना चाहिए ओला को। मैं आप रिक्वेस्ट करूँगा ओला कंपनी को कि ये हाइपर चार्जिंग स्टेशन ऑन कर दे जल्दी से, क्योंकि हम अपनी गाड़ी को जल्दी से चार्ज कर सकें। सो यहाँ पे मेरा वीडियो खत्म हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।